नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप कुमार गर्ग, मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, डायलिसिस एक्सपर्ट हूँ, लीनर ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ न्यू डीमा हॉस्पिटल में, और इस हॉस्पिटल में करीब पिछले 18 साल से कार्यरत हूँ। और मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट होने के साथ साथ एक जनरल फिजिशियन भी का भी वर्क करता हूँ काफ़ी हद तक। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इडीमा क्या होता है, कि सूजन जो है पैरों में ये क्या है। तो बेसिकली सूजन एक सिम्टम है या फिर एक वजह है जिसकी वजह से डॉक्टर के पास हम जाते हैं। तो जो मुख्य कारण होते हैं स्वेलिंग के, वो उसमें जो मुख्य कारण है जो मोस्ट कॉमन है वो तो ये है कि आप ओबेसिटी है, उसकी वजह से पैरों में सूजन आ गई। इसके अलावा आपकी किडनी डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से स्वेलिंग आती है पैरों में, दोनों पैरों में स्वेलिंग आती है। और यूजली स्वेलिंग जो बायलेटरल सिमेट्रिकल होती है, दोनों पैरों में बराबर स्वेलिंग रहती है। और जो बचाने का तरीका वो ये है कि आप जब अपने जो पैर का लोअर हिस्सा है बीच वाला राइट साइड में, उसके ऊपर जब हड्डी के ऊपर दबाएंगे तो एक गड्ढा पड़ जाएगा। तो अगर गड्ढा पड़ रहा है या फिर शिन के ऊपर गड्ढा पड़ रहा है तो इसका मतलब स्वेलिंग आपको है। इसके अलावा जो और कारण होते हैं खुरदर रोग उसके स्वेलिंग के, उसमें है लिवर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, अगर हार्ट फेल हो गया उसकी स्वेलिंग आ सकती है, लिवर की बीमारी है। इसके अलावा वीनस इनसफिशेंसी में आपको बायलेटरल स्वेलिंग आ सकती है पैरों में। इसके अलावा अगर प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन मात्रा कम है शरीर में, या तो लीवर की डिजीज़ की वजह से या किडनी की बीमारी की वजह से, तब दोनों पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। इसके अलावा इडियोपैथिक साइक्लिकल एडीमा होता है एक डिजीज़, इसमें कि लेडीज़ में खासकर स्वेलिंग पैरों में आ जाती है। हम क्या करते हैं ज़्यादातर कि ऐसे मरीजों को हम लोग गाँव में या शहर में या फिर इवन लोकल केमिस्ट होते हैं, वो एक डायरोटिक दे देते हैं, जैसे कि डायटोल नाम की गोली दे देते हैं, परंतु ये कुछ हद तक ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि स्वेलिंग क्यों है आखिर। तो स्वेलिंग जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम डॉक्टर से मिलें, कुछ हम टेस्ट कराएं उसके, और टेस्ट कराने के साथ में हम जानें कि आखिर क्या कारण है स्वेलिंग क्यों आ रही है। अगर गुर्दा रोग है तो बेटर है कि गुर्दा रोग विशेषज्ञ को दिखाएं, अगर लिवर का रोग है तो लिवर के रोग विशेषज्ञ को दिखाएं, अगर हार्ट का रोग है तो हार्ट के रोग विशेषज्ञ को दिखाएं। और अगर इन तीनों का रोग नहीं है और किसी और में स्वेलिंग आ रही है, प्रोटीन कम होने की वजह से, गुर्दे में प्रोटीन लीक होने की वजह से, तो उस हिसाब से बीमारी को क्लासिफाई करें, उस हिसाब से डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर को चूज़ करें, क्योंकि एक स्पेशलिस्ट ही आपकी स्वेलिंग को ठीक तरह से देख सकता है। इसके अलावा एक बहुत मुख्य कारण है स्वेलिंग का, वो है ब्लड प्रेशर बढ़ा रहना। कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा जाता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के साथ में ही स्वेलिंग आ जाती है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ होती हैं ब्लड प्रेशर की जो कि स्वेलिंग पैरों में ला सकते हैं, जैसे कि एम्लोडिपिन नाम की दवाई है जो कि स्वेलिंग पैरों में आती है। और इसके लिए हमें कुछ दूसरी तरह की दवाइयाँ, सिलेनिपिन है, बेनेडिपिन है, इनको अगर हम चेंज वो करेंगे डेफिनेटली हमें स्वेलिंग है आपकी रिग्रेस कर जाएगी। तो स्वेलिंग अगर आती है तो इट्स बहुत ही पुराने ज़माने में कहते थे कि स्वेलिंग अगर आ रही है तो एक लक्षण है जिसकी वजह से कि मतलब ऑलमोस्ट नियर डेथ वाला कहते थे कि लोग नियर डेथ होने वाली है, परंतु ऐसा नहीं है। आज की तारीख में अगर स्वेलिंग आ रही है तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उन सब कारणों को देखते हुए हमें देखना है। अच्छा, क्या होगा ऐसे कि स्वेलिंग अगर आ रही है तो क्या होगा? ऐसे वजन आपका अचानक बढ़ जाएगा, आप लंबे समय तक खड़े रहेंगे तो आपके पैरों में दोनों में स्वेलिंग आ जाएगी। बताया मैंने आपको कि जो आपकी एड़ी है उसके आसपास अगर आप जो हड्डी है उस पर दबाएंगे तो आपको निशान पड़ जाएगा। इसके अलावा लंबे समय तक अगर स्वेलिंग है तो उसका एक और कारण होता है जिसको हम कहते हैं कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस। आपके जो खून वापस ले आने वाली नसें हैं उनके अंदर थक्का जम जाता है, इसकी वजह से आपको बायलेटरल सिमेट्रिकल स्वेलिंग आती है। एक और मुख्य लक्षण ये भी है कि स्वेलिंग यूनिलेटरल है कि बायलेटरल है। अगर दोनों तरफ स्वेलिंग है तो उसके अलग कारण होते हैं, अगर यूनिलेटरल स्वेलिंग है तो जैसे कि किसी को पैर में चोट लग जाए, किसी के पैर में डीबीटी हो जाए, किसी के पैर में कोई इन्फ्लेमेटरी सेलुलाइटिस वगैरह हो जाए, तो भी एक पैर में स्वेलिंग होती है। तो अगर पैर में स्वेलिंग दोनों तरफ है उसके मायने अलग हैं, अगर स्वेलिंग एक तरफ है उसके मायने अलग हैं। तो सिस्टमिक डिजीज में दिलवाया आपको गुर्दे का कमज़ोर होना, पेशाब में प्रोटीन आना, लिवर कमज़ोर होना, हार्ट का कमज़ोर होना, इन सब कारणों में यूटी बायलेटरल सिमेट्रिकल स्वेलिंग आपको मिलती है। जैसा मैंने डिस्कस किया अभी कि स्वेलिंग के क्या क्या कारण होते हैं, तो कारणों को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनके कुछ बेसिक टेस्ट पेशेंट के होने चाहिए, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट होना चाहिए, जिसमें कि अगर किसी को एनीमिया आ रहा है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया आ रहा है, प्लेटलेट कम आ रही है, तो दैट सजेस्ट क्रॉनिक लिवर डिजीज हो सकती है। अगर पेशेंट को एनीमिया है तो कुड बी रिलेटेड टू कि पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिजीज हो सकती है, क्रॉनिक किडनी डिजीज में एनीमिया जरूर होना चाहिए पेशेंट को। इसके अलावा अगर हार्ट फेलियर है इवन उसमें भी एनीमिया होगा तो CBC एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा हम टोटल ब्लड काउंट के अलावा आपका टोटल प्रोटीन करते हैं, टोटल प्रोटीन के अंदर कितना एल्ब्यूमिन है, कितना ग्लोबुलिन है, वो जानना चाहिए। अगर एल्ब्यूमिन कम है
तो डेफिनेटली पेशेंट को सिर्फ या तो किडनी डिजीज होगी या फिर लिवर डिजीज होगी। इसके अलावा पेशाब में प्रोटीन अगर आ रहा है तो बहुत ज़रूरी जानना कि पेशाब में प्रोटीन क्यों आ रहा है और कितना आ रहा है। क्वान्टिफाई करने के लिए उसको यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो एक टेस्ट होता है उसको कराते हैं, या फिर शुरू शुरू में अगर प्रोटीन बहुत कम आया तो माइक्रो एल्ब्यूमिन करा सकते हैं। तो अगर स्वेलिंग आ रही है बताया तो मैंने कि प्रोटीन आता है यूरिन में, अगर प्रोटीन में आप कराते हैं यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो कराते हैं उसमें अगर प्रोटीन काफ़ी मात्रा में आ रहा है तो डेफिनेटली पेशेंट को किडनी डिजीज़ है। और ऐसे पेशेंट में अगर किडनी डिजीज़ है, स्वेलिंग उतारनी है, तो डेफिनेटली डेटॉल जो दवाई आती है वही इफेक्टिव मेथड है स्वेलिंग उतारने के लिए। हम लोग काफ़ी मात्रा में डेटॉल प्लस इस्तेमाल करते हैं पेशेंट को अगर लिवर डिजीज़ है, साथ में नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, अगर प्लेन एंड सिंपल किडनी डिजीज़ है तो पेशेंट को डेटॉल नाम की दवाई इस्तेमाल करते हैं स्वेलिंग कम करने के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि स्वेलिंग एक छोटी सी कारण की वजह से हो सकती है और इसका एक बड़ा रूप भी हो सकता है। अगर बड़ा रूप है तो डेफिनेटली एक फिजिशियन या फिर नेफ्रोलॉजिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट या फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट दिखाना पड़ेगा और डेफिनेटली वो ड्रग प्रेस्क्राइब करेंगे आपको। जैसे कि बताया मैंने कि डायबिटीज़ के अंदर टोरासोमाइड डाइटोल बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, तो ऐसे में जो दवाई यूज़ करते हैं डेफिनेटली इफेक्टिव ड्रग है, इफेक्टिव टूल है पेशेंट को रिलीफ देने के लिए। तो धन्यवाद, और कोई क्वेरी होगी तो डेफिनेटली आंसर पूछ को। थैंक यू।